ट्विटर की डील को जेफ बेजोस ने एक नया ही एंगल दे दिया। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को लगता है कि इस डील के बाद ट्विटर पर चीन का दबदबा हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कुछ बड़ी दलीलें भी दी और ये बताया कि चीन के साथ मस्क की कंपनी के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। साल 2022 के तो अभी 4 महीने ही बीते हैं, लेकिन टेस्ला ने इसी दौरान चीन में 35,000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के लिए और भी कई कारणों से चीन बेहद अहम है। असल में गाड़ियों की बैटरी के लिए टेस्ला काफी हद तक चीन पर निर्भर है। चीन और मस्क के रिश्तों की पड़ताल तब शुरू हुई जब एलन मस्क की कंपनी ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया। ये डील $44 बिलियन यानी करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए में हुई, जिसके बाद ट्विटर की आजादी छीनने से जुड़ी बहस चल पड़ी। लेकिन जेफ बेजोस के ट्वीट के बाद इस बहस में अचानक चीन की एंट्री हो गई। हालांकि जेफ बेजोस और मस्क की अदावत पुरानी है। मस्क स्पेस मिशन पर काम करने वाली कंपनी स्पेसएक्स चलाते हैं, जबकि जेफ बेजोस ऐसा ही काम करने वाली कंपनी ब्लू ओरिजिन चलाते हैं। बेजोस को लगता है कि मस्क चीन की सरकार के दबाव में है। अगर ट्विटर उनके हाथ में चला गया तो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर चीन का दबदबा हो जाएगा। बेजोस ने ऐसे बहुत सारे कारण गिनाए जिनकी वजह से चीन मस्क के लिए बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की चीन में एंट्री सामान्य तरीके से नहीं हुई। टेस्ला को चीन में लाने के लिए नियम बदले गए थे। दुनिया की जितनी भी कार कंपनियां हैं उन्हें चीन में फैक्ट्री लगाने के लिए चीन की किसी कंपनी के साथ साझेदारी करनी पड़ती है। मतलब ये कि कोई विदेशी कंपनी अकेले चीन में काम नहीं कर सकती थी। लेकिन 2019 में टेस्ला पहली ऐसी विदेशी कंपनी बन गई जिसने चीन में कारोबार शुरू किया, वो भी चीन की किसी कंपनी से हाथ मिलाए बिना। फिर चीन का एक और उपकार टेस्ला पर हुआ। टेस्ला ने जब शंघाई में अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली तो चीन के कई बैंकों ने उसे भारी भरकम लोन दिया। इस फैक्ट्री को बनाने में $130 करोड़ यानी रुपयों में करीब 10,000 करोड़ का निवेश किया गया था। पिछले साल यानी 2021 में टेस्ला ने करीब 9.25 लाख गाड़ियां बनाई, जिनमें 4.5 लाख के करीब मतलब कुल में आधी से ज्यादा चीन की फैक्ट्री में बनी। इस साल की टेस्ला की कमाई पिछले साल के मुकाबले करीब 52% ज्यादा हो चुकी है। खबर यह भी है कि जैसे चीन की सरकार की मेहरबानियां टेस्ला पर हो रही हैं, वैसे ही चीन को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि टेस्ला की गाड़ियों के लिए बैटरी की सप्लाई चीन से ही होती है।